हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार, मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से। और आज हम लोग टी रेशियोज़ के पीरियोडिक फंक्शंस और इवन ऑड फंक्शंस के बारे में जानेंगे, और इसके बाद क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टी रेशियोज़ था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो ज़रूर देखें और व्यूज़ करें, लाइक करें, और अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों को भी बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो उनको भी फ़ायदा पहुँचे। और मैं इसके बाद उसमें IIT JEE के जितने भी प्रॉब्लम्स अभी तक पूछे गए हैं 10 साल 10 ईयर्स के, वो मैं इस पर ज़रूर समझाने का प्रयास करूँगा और समझाऊँगा। सॉल्व कैसे करते हैं उसके ऊपर भी मैं बताऊँगा। लेकिन इससे वीडियो मैं शुरू करने से पहले आप लोग को फिर से एक बार या आग्रह और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों को और शेयर ज़रूर करें, व्यूज़ करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, सुनें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। तो पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक पीरियोडिक फंक्शन, व्हाट इज़ द पीरियोडिक पीरियोडिक फंक्शन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है? तो उसके लिए ज़रूरत है कोई हमारा रियल नंबर। जैसे कि अगर ये साफ आपको अगर याद रखनी हो तो आप इतना ही याद रखें कि x प्लस टी इज इक्वल्स टू fx हो जाए, जहाँ पर टी इज जो होना चाहिए कंडीशन है, टी इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और टी कैसे होंगे, तो कोई रियल नंबर होगा। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग डिफिनेशन से देखते हैं कि हम लोग पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं। कोई भी फंक्शन को, हम अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन तब बोलेंगे जब एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ एक्स हो जाए, वेयर टी इज एनी रियल नंबर एंड टी इज ग्रेटर देन 0। देन वी से डैट द एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन, राइट। सो नाउ वी विल एक्सप्लेन अबाउट द पीरियोडिक फंक्शन। ओके, सो हियर अ फंक्शन एफ ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ एक्स, एफ ऑफ एफ देयर एग्जिस्ट इफ देर एग्जिस्ट अ टी, इफ देर एग्जिस्ट अ टी इज एनी रियल नंबर, टी एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 0, राइट। तो टी इफ देर एग्जिस्ट एफ ऑफ, मैंने क्या लिखा कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स को मैं क्या बोलूँगा, पीरियोडिक फंक्शन बोलूँगा, जब टी कोई रियल नंबर हो और वह ग्रेटर देन 0 हो, तो उसको मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ग्रेटर देन 0 सच डैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ एक्स, मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखूँगा फॉर ऑल एक्स, राइट। सो मैं कहूँगा अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ टी
is greater than t is any real number greater than 0 and f of x plus t is equals to fx for all x. तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या है, देखते हैं कि t एक स्मॉल वैल्यू होना चाहिए. t क्या होना चाहिए, एक स्मॉल नंबर होना चाहिए, स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए. मतलब हमारा जो t होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि सबसे पहले आप ये समझिए कि t जो होना चाहिए बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, t स्मॉल रियल नंबर होना चाहिए. तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि इफ t इज स्मॉल रियल नंबर, स्मॉल रियल नंबर, स्मॉल पॉजिटिव, t को क्या होना होगा, t इज स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट f of x plus t is equals to, मैं लिख सकता हूँ fx for all x, right? For all x, ये लिख सकता हूँ. Then t is called periodic. तो मैं t को क्या बोलूँगा, fundamental period of, then t is called fundamental period of fx, right? तो अब फिर से आप एक बार समझ सकते हैं कि कोई भी फंक्शन, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, ये याद भी रख सकते हैं कि कोई fx को मैं periodic फंक्शन बोलूँगा जब t कोई real positive real number होगा और वह जीरो से बड़ा होगा. तो मैं f of x plus t is equals to fx लिखूंगा for all x, and t जो है वो बहुत small होगा, positive real number होना चाहिए. तो जब f x plus t लिखूंगा तो ये fx देगा. तो t को मैं कहूंगा fundamental period of fx. फिर मैं इसको example से मैं बता सकता हूँ, जैसे कि आप example में लिख सकते हैं sin 2πn लिख सकते हैं, 2n pi plus theta, तो आप इसको लिख देंगे sin theta. तो इसकी जो period होगी वह 2π होगी, इसकी जो sin theta की जो period होगी वह क्या होगी, 2π होगी, ठीक है ना. तो यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos 2n pi plus theta is equals to cos theta, आप ये भी लिख सकते हैं. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन का जो पीरियड होता है, साइन एंड कोसाइन, कोसाइन पीरियड जो होता है वर्स का जो होता है वो क्या होता है, 2π होता है, राइट. लेकिन अब जब टैन की बात करेंगे, टैन टेंजेंट, टेंजेंट पीरियड ऑफ टेंजेंट, ऐसे लिख सकते हो कि पीरियड ऑफ टेंजेंट आपका जो होगा वो पाई होगा. और सिमिलरली उसी तरह से कॉट का जो पीरियड होगा वो पाई होगा, बाकी सब का पीरियड जो होगा वो क्या होगा, 2π होगा, ठीक है. चाहे मैं साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसाइन का उल्टा सेक होता है. तो जब साइन का पीरियड 2π है, कोसाइन का उल्टा, कोसाइन का पीरियड 2 है पाई है, तो कोसेक का क्या होगा, 2π होगा, सेक का क्या होगा, 2π होगा. बट टैन का पाई है पीरियड, तो इसका जो कॉट जो इसका पीरियड है, तो कॉट का भी क्या हो जाएगा, पीरियड पाई आएगा. तो ये हमें समझने की ज़रूरत थी कि पीरियड क्या होता है और पीरियड का स्मॉल टी का क्या वैल्यूज है, ये हमें समझने की ज़रूरत है. अब मैं आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने एक टेबल कंस्ट्रक्ट करी, मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ, इसको मैं टेबल के रूप में फॉर्म कर रहा हूँ. जैसे कि आपने एक जगह आप लिख लीजिए फंक्शन, ठीक है, एक जगह फंक्शन लिख लिया और दूसरी जगह आप लिख लेंगे इसका पीरियड, ठीक है ना, पीरियड, ठीक है. तो अब हम लोग साइन का पीरियड क्या होगा, साइन
साइन का पीरियड आपका 2π होगा, कॉस का पीरियड कोसाइन का पीरियड 2π होगा, टैन का टेंजेंट का पाई होगा, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कोसेक का इसका पीरियड हो जाएगा 2π, और सेक का इसका जो होगा वह 2π, और आपका कॉट को टेंजेंट इसका आपका पाई आएगा, राइट। इसका आपका क्या आएगा, पाई आएगा। तो आप देखते हैं जब भी आपको का पूछा जाए कि बताइए साइन का पीरियड बताइए, आप क्या बताएंगे 2π, कोसाइन का पीरियड क्या होगा 2π, टेन का पीरियड क्या होगा तो टेन का पाई होगा। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट था जहाँ पर पीरियड जानना किसी भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, आप किस पीरियड में उसको रखेंगे वो भी इम्पॉर्टेंट है जानना। तो इसी चीज़ के लिए मैं आप लोग को पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा चुका हूँ, अब आप इसे आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि टी को क्या बोलेंगे। टी कोई रियल नंबर है ना, पॉजिटिव रियल नंबर है, और टी जो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफएक्स बोलते हैं। तो जो टेन साइन पर 2π होगा, कोसाइन पर 2π होगा, टेंजेंट पर 2π होगा, कोसेक पे 2π होगा, सेक पे 2π होगा, कोटेंजेंट पे क्या होगा 2π, कोटेंजेंट पर पाई होगा। अब मैं आप लोग को इवन और ऑड फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है, ये जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि टेंजेंट कोटेंजेंट और इवन फंक्शन का साइन और कोसाइन के साथ क्या वैल्यू है, क्या रिलेशन है, ये जरूरी है जानना, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी इवन फंक्शन के बारे में, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होगा, तो अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स हो जाए, इफ एफ एक्स में फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन, राइट। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एग्जाम्पल कॉसेक, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हमारा इवन फंक्शन है, ठीक है, इवन फंक्शन है, और इसका सेक ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स, सो यहाँ पर सेक एक्स भी क्या है, हमारा इवन फंक्शन है। अदर जितने भी बनेंगे वो हमारे क्या होंगे, ऑड फंक्शन होंगे, तो ऑड फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ f of minus x is equals to minus fx for all x in its domain, right? अब मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि example लिया मैंने sin of minus x minus sin x, right? ये हमारा minus क्या हो गया, sin x हो गया, तो ये हमारा क्या हुआ, odd function हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। तो अगर मैंने लिया tan माइनस एक्स, तो मैं लिखूँगा यहाँ से साइन ऑफ माइनस एक्स ऑड फंक्शन है, और cos क्या है, हमारा इवन फंक्शन है, तो ऑड और इवन क्या हो जाएगा डिवीजन में, ऑड होगा, तो ये हमारा माइनस, मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ माइनस एक्स, चूँकि इसका तो प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस साइन एक्स, और इसको लिख सकता हूँ cos x, इसको लिख सकता हूँ माइनस tan x, है ना, तो ये हमारा क्या है, ऑड
फंक्शन है। लेकिन जब मैं कोसेक कोसेक माइनस एक्स इक्वल्स टू, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ माइनस ऑफ कोसेक कोसेक एक्स, ये हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है। और अगर यहीं पे मैंने लिखा कि सेक एक्स क्या है हमारा, तो इवन फंक्शन है। अच्छा, टेन अगर ऑड फंक्शन है तो कॉट टेन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो गया। तो ऑड फंक्शन सिर्फ साइन और कोसाइन कोसेक अंश सेक इज अ ऑड इवन फंक्शन, अदरवाइज जो टोटल एंगल्स जो टोटल हैं मतलब वो हमारे क्या होंगे, ऑड फंक्शन होगा। तो मैंने बताया आपको कि ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन अब कहाँ पर ऐसे अप्लाई होता है, तो सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ इस टॉपिक का। अब आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग करवाऊँगा, लेकिन इसके अलावे आपको टोटल क्वेश्चंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ से मैं और मैं सारे टी रेशियोज के फार्मूलाज जो आप लोग फार्मूला जानते हैं, उस फार्मूले को फिर से हम लोग रिपीट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं किसको, क्वेश्चन कि क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एग्जांपल वन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग टी रेशियोज। तो सबसे पहला क्या आता है, साइन 315। ये किस क्वाड्रेंट में, सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है। तो ये साइन जो है वो हमारा किस कौन सा फंक्शन है, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो 315 डिग्री ये है हमारा, तो 350 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ क्या, कितना कमी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 45 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 1/√2। चूँकि ये क्या है साइन, बिकॉज साइन इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। अब हम लोग एग्जांपल क्या करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, क्यों, साइन फंक्शन जो है वो हमारा क्या है, 315 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 270 डिग्री से बड़ा होगा और बड़ा है, और ये तो थर्ड नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा कॉस 210 डिग्री, 210 डिग्री को ये किस क्वाड्रेंट में है, ये तो देखना जरूरी है। तो ये हमारा जो है वह थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ कॉस, ये किस क्वाड्रेंट में है, 30 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस 30 लिखूँगा, तो माइनस 30 से हो जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। √3/2 माइनस में, ठीक है, माइनस में √3/2। तीसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे कि हमारे पास है कॉस 5π/3,
ये लिख सकते हो साइन 5π/3। तो 5π/3 को मैं किस क्वाड्रेंट में होगा भाई, तो ये हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पाई प्लस मैं यहाँ से लिख सकता हूँ साइन, दो बार चल चुका वो, दो बार रोटेट कर चुका, और प्लस मैं इसको लिख सकता हूँ -π/3। तो यहाँ हो जाएगा साइन -π/3 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा आपका √3/2। तो ये आएगा √3/2 नेगेटिव। तो ये आपका आ गया नेगेटिव वैल्यू आ गया। तो आप चाहें तो रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब मैं आप लोग को प्रूफ करने बताऊंगा कि प्रूफ करते कैसे, प्रूफ डेट प्रूफ डेट। यहाँ से क्वेश्चन क्या कहता है, कॉस 90+θ इंटू cos 90+θ इंटू sec माइनस थीटा इंटू यहाँ से होगा tan 180-θ अपॉन, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ sec 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इंटू ये हमारा हो गया कॉट 90-θ। ठीक है, तो कॉस 90-θ क्या हो जाएगा, कॉस 90-θ आपका होगा माइनस, इसका वैल्यू हो गया माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस कॉस, तो कॉस 90 डिग्री 1 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री इंटू सेक थीटा, चूंकि ये इवन फंक्शन है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका टैन थीटा। तो यहाँ पर आपका आपका आ जाएगा माइनस अपॉन, ये आपका आ जाएगा सेक थीटा इंटू ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और कॉट का 90-, कॉट का माइनस क्या हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो सब बराबर है, कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा, ये हमारा टेन से टेन कट गया, सेक से सेक कट गया, साइन 91। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका साइन थीटा। इससे ये कटेगा तो आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो हम लोग आसानी से क्वेश्चंस को अटेंड अब कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को, हर टाइप के क्वेश्चंस में इसमें हैं। जो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कल से हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे और कम और हम लोग जो है वो इसको सॉल्व करने के बाद कंपाउंड एंगल्स पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।